हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। देखिए, एक लैपटॉप का एडाप्टर आया है 19 वोल्ट 3.42 एम्पियर का। देखिए कौन सा कंपनी का है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एसी एडाप्टर है 65 वाट का, ठीक है। इसका प्रॉब्लम है, लोड नहीं ले रहा है, लाइट जल रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने कान में लगा दिया, देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, दिखाते हैं ना, लाइट जल रहा है। फिर भी देखिए इसका आउटपुट नहीं दे रहा, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मीटर पे देखिए 200 में रखा, रखने के बाद ये हमने इस पोर्ट को चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब लोड नहीं ले रहा है, ठीक है। मतलब आपको एडाप्टर चार्ज में लगाएंगे तो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखिए बाहर तरफ आपको देखिए लाइट जल रहा है अभी भी, ठीक है। देखिए ये बाहर तरफ काला वाला पोर्ट और अंदर ये वाला पोर्ट, देखिए 19.4 दिखा रहा है। कभी कभी दिखा रहा है, कभी कभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और लोड नहीं रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है फिर भी लोड नहीं रहा है, लाइट जल रहा है, देखिए लाइट जल रहा है, ठीक है। चलिए इसको हमने खोल के रखा, फिर आपको सोचा जो आपको दिखा दूं, कभी भी आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप खुद घर में ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम एसी एडाप्टर खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखिए हमने ये खोलना तो आपको सिखा था दूसरा वाला वीडियो में, ये इस तरफ थोड़ा सा पेश करना पड़ेगा, इस तरफ थोड़ा सा, चारों तरफ थोड़ा सा पेश कर ले, खोलेंगे, ठीक है। देखिए हमने ये खोल दिया, देखिए खोल दिया। अरे जो देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर आपका चार्ज हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पोर्ट यहाँ से चार्ज हो सकता है, इसको थोड़ा सा डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा था, ये करना नहीं चाहता था, मेरे पास तो वो आपका लाइट नहीं है, ये डिस्चार्ज करने का लाइट, देखिए ये तो ठीक ही है, देखिए सब कुछ तो ठीक ही दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। देखिए आउटपुट लोड नहीं लेने के लिए दूसरा वाला जो वीडियो बनाया था उसमें देखिए ये दोनों खराब था, इसलिए हो गया। देखिए तो खराब ठीक है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, देखिए ये भी ठीक है। चलो फ्यूज ठीक होगा इसलिए लाइट जल रहा है, ये लाइट वाला ये है लाइट, ठीक है। चलिए ओ ये देखिए, ये कैपेसिटर देखिए थोड़ा सा फूल गया है, मतलब ऊपर आ गया, देखिए यहाँ से, ठीक है। इसका ही प्रॉब्लम है, इसलिए कभी लोड ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये देखिए दिखाई दे रहा है ना, देखिए थोड़ा सा फूल गया। चलिए इसको हम पहले चेंज कर देता हूँ, ठीक है, शायद हो जाएगा, प्रॉब्लम जल्दी से मिल गया, ठीक है। हाँ ये तो हो गया, तार को थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, इसको शोल्डर से आपका आयरन से खोल लेता हूँ। देखिए आप दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा फूल गया ना, कैपेसिटर इधर से देखेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, देखिए इधर से देखिए ये देखिए फूल गया, ठीक है। इसका वोल्टेज देखिए 400 वोल्ट 120 माइक्रोफैरड के, आप 400 वोल्ट के ज़्यादा भी लगा सकते हैं और माइक्रोफैरड ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं एक स्कैप मॉनिटर का स्कैप बोर्ड से इसको लगाएंगे, स्कैप बोर्ड हाँ एक मिल गया, देखिए एक स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप नहीं अच्छा वाला बोर्ड है, इसमें से लगाएंगे, ठीक है, स्क्रैप नहीं है, अच्छा है, ठीक है, इससे हम लगाएंगे। पहले इसको खोल लेता हूँ, फिर बाजार में जाएंगे तो 700 रुपये में आपको मिल जाएगा ज़्यादा के ज़्यादा, ठीक है, उतना नहीं लगता फिर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, लग जाएगा तो थोड़ा सा ये लगा लेंगे तो आपका एडाप्टर ठीक हो जाएगा। चलो इसको साइड में रखता हूँ, इसको वोल्टेज हम दिखाता हूँ, देखिए 450 वोल्ट 100 माइक्रोफैरड और पहले क्या था 400 वोल्ट 120 माइक्रोफैरड, कोई बात नहीं, 450 चलेगा, 500 चलेगा, 400 के प्लेस यहाँ पे
ये भी चलेगा, 500 भी चलेगा, माइक्रोफ्लैट थोड़ा 60 माइक्रोफ्लैट होता तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए सिर्फ देख लेना है, इधर है माइनस, इधर है प्लस, आपको ये देखना है इधर माइनस किधर है। देखिए ये जो बॉर्डर है काला वाला, इधर है माइनस और इस तरफ है प्लस, ठीक है। चलिए इसका पहले ये जो लीड है इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। प्लस में थोड़ा सा साफ कर लेगा तो अच्छे से काम हो जाएगा। ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम नहीं था, एरप का सिंपल प्रॉब्लम ही होता है, ज़्यादा बढ़िया प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चलिए हम अब लगा देंगे, ये तो साफ दोनों साफ कर लिया। उसके बाद देखिए माइनस किधर जाएगा, देखिए माइनस इस तरफ, ठीक है। चलिए लगा के देखता हूँ, ये हमने लगा दिया। उसके बाद इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। एक सोल्डरिंग कर दिया, दूसरा का भी कर देंगे। होगा थोड़ा सा अंदर पेश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हीट सिंक के साथ ये शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हीट सिंक के साथ शॉर्ट होगा तो बास्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। हीट सिंक लगा लिया, शॉर्ट तो यहाँ पे देखिए हीट सिंक के साथ शायद लगा है। चलिए हम थोड़ा सा इधर आपका कोई प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसको फिर से लगा देंगे, थोड़ा सा चाहिए, करंट चला गया, ठीक है। देखिए इस अंदर से एक प्लास्टिक लगा लिया, जैसे शॉर्ट नहीं होगा। आपको शॉर्ट कैसे, पहले हीट सिंक यहाँ पे है, देखिए यह हीट सिंक यहाँ पे लगा है, आप चेक कर सकते हैं हीट सिंक के साथ वो कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस तरफ एक कैपेसिटर पकड़े और हीट सिंक का एक, हीट सिंक का इधर है, देखिए शॉर्ट होगा तो साउंड देगा, ठीक है। ये लगा लिया हीट सिंक के साथ, देखिए शॉर्ट नहीं है, ठीक है। हमने प्लास्टिक लगा लिया, चलिए इसको हम जल्दी से चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। चलो लगा लिया, उसके बाद इसको लगा लेंगे, देखिए लाइट जल गया, ठीक है। जलने के बाद इसको हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। 200 में रखेंगे, लाइट जल रहा है ना, देखिए लाइट जल रहा है, देखिए लाइट जल रहा है। बात ये देखिए वोल्टेज दे लगा, देखिए 19.465 ऐसे दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है कुछ, देखिए कोई सोल्डरिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया शायद, ठीक है। देखिए वोल्टेज 13 समथिंग दिखा रहा है, मतलब ये 19 वोल्ट नहीं दिख रहा है। फिर से हम चेक करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए लाइट जल रहा है, ये जो पावर है इसमें मॉइस्चर वगैरह पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा इधर इधर करेंगे तो ये वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अब उसका आपको वोल्टेज दिखा के चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है।
चलिए मिला 200 में रखा और ये आपका बाहर साइड में करेंगे। तो देखिए अभी क्या वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए वोल्टेज नहीं दिखा रहा हमने, देखिए लगा लिया वोल्टेज नहीं दिखा रहा। जब हम इसको देखिए मतलब ये पावर कनेक्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है इसको हम चेंज कर देंगे कस्टमर को, ठीक है। देखिए इधर करेंगे, देखिए नहीं आएगा, देखिए कम हो रहा है, देखिए ठीक है। अब इधर करेंगे तो ठीक है, मतलब अंदर जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया और एक केबल भी चेंज करेंगे तो ओके हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करना।